इंटरनेट और मीडिया पर जिस तरह की वहां पाबंदियां लगी हुई हैं वो भी हैरानी की बात है। अब अगर इस देश को उम्मीद किसी से है तो माननीय राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू जी से है, जिन्होंने संघर्ष का रास्ता तय करके यहां तक पहुंची, इस मुकाम तक पहुंची। आप, कम से कम आपसे यह उम्मीद है राष्ट्रपति जी कि आप अपनी जो संविधान में निहित आपकी जो शक्तियां हैं उनका उपयोग करिए और ऐसी सरकार जो मणिपुर में है, जो इसलिए दुखी है कि वीडियो वायरल क्यों हो गया, इसलिए नहीं दुखी कि वहां ऐसे सैकड़ों केसेस हुए हैं, उस पर कोई दुख नहीं उन्हें, उस सरकार को आप डिसमिस कीजिए। जैसा कि तिवारी जी ने कहा, हमारी जो मांग है वो बड़ी स्पष्ट है, संसद में प्रधानमंत्री विस्तृत एक स्टेटमेंट अंदर दीजिए, सीढ़ियां चढ़ के साहब थोड़ा सा जहमत उठाइए, हवाई जहाज में तो बड़ा दौड़ते दौड़ते सीढ़ियां चढ़ते हो जब बाहर जाना होता है, जब लौटते हैं तो धीरे धीरे उतरते हो, बड़ा दुख होता है आपको हिंदुस्तान लौटते हुए। चार सीढ़ियां तय कर लीजिए, वो सफर तय कर लीजिए, पार्लियामेंट के भीतर से जाकर बोलिए इसमें आपको क्यों शर्म आ रही है। इन्हें शिकायत है कि राहुल गांधी वहां क्यों गए, शर्म करो, गए तो आपने तो वहां जाना भी उचित नहीं समझा। एक व्यक्ति है जो राजधर्म निभा रहा है, वो है विपक्ष का धर्म निभा रहा है, वो है राहुल गांधी। तो अब इस तरह की जो हल्की राजनीति है प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देती, उनकी सरकार को, उनके ट्रोल आर्मी को, पूरी सरकार ही एक तरह से ट्रोल आर्मी बनी हुई है, इनको नहीं देती। इन्हें चाहिए कि अब वो अपनी ये रिवायत बदलें और प्रधानमंत्री इस पर जवाब दें। और नेशनल कमीशन फॉर विमेन ने इतना समय क्यों लगाया, उनके खिलाफ प्रधानमंत्री क्या कार्रवाई करेंगे वह भी हमें बताएं। वीरेंद्र सिंह, जो रोज उनकी टिप्पणियां जितनी बार आती हैं उतनी बार लोग हैरान हो जाते हैं कि ऐसा व्यक्ति मुख्यमंत्री बना हुआ है, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे बताएं। और उपराज्यपाल महोदया, आपका जमीर वापस सो न जाए, हम आपसे सिर्फ इतना ही आग्रह करते हैं। वाजपेयी जी ने 2002 में इन्हें राजधर्म का स्मरण दिलाया था, आज इन्हें फिर से राजधर्म का स्मरण हम दिलाते हैं। इनके मुख्यमंत्री को राजधर्म का स्मरण इन्हें दिलाना चाहिए। और इनकी राज्यपाल, आज उनका इंटरव्यू में देख रहा था, राज्यपाल अब जाकर डीजीपी को की खिंचाई कर रही है साहब। ये पीस कमिटी की चेयरपर्सन है राज्यपाल, शी इज द चेयरपर्सन ऑफ द पीस कमिटी ऑफ मणिपुर। अब जाकर एक वायरल वीडियो के पश्चात राज्यपाल का जमीर जागा, राज्यपाल अब कह रही हैं कि डीजीपी ने गलत किया। और रिपोर्ट्स आपके सामने हैं, आप ही के मीडिया से ये रिपोर्ट्स मिली कि उन महिलाओं को पुलिस ने भीड़ को सौंप दिया था। राज्यपाल महोदया, तब आपने क्यों नहीं डीजीपी को तलब किया? 4 मई, जैसा कि तिवारी जी बता रहे थे अभी आपको, 4 मई से 19 जुलाई तक जमीर सोया हुआ था आपका, प्रधानमंत्री को मालूम नहीं था? अगर मालूम नहीं था तो किस तरह के प्रधानमंत्री हैं आप, और मालूम था फिर भी चुप रहे तो फिर पूछता हूं मैं आपसे, किस तरह के प्रधानमंत्री हैं आप? दोनों ही स्थितियों में आप ये जवाब दीजिए, क्या इस देश को ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए? आइए नेशनल कमीशन ऑफ विमेन पर, राष्ट्रीय महिला आयोग पर, जो विरोधी दल को तुरंत मिनटों में नोटिस देती हैं, उनके पास 2 शिकायतें गई मणिपुर की इस वारदात की, 2-2 शिकायतों के बाद भी एक्नॉलेजमेंट नहीं गई, पावती तक नहीं दी रेखा शर्मा जी जो है वहां की चेयरपर्सन, उन्होंने एक विदेश से गई, एक देश से गई, लेकिन शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये तीसरा राजधर्म का मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं। अगर किसी ने राजधर्म का यहां पालन किया तो विपक्ष ने किया। राहुल गांधी अगर वहां जाकर खड़े हो सकते थे तो क्या नरेंद्र मोदी नहीं जा सकते थे? वोट मांगने तो चले जाते हैं। जब आप वोट मांगने जा सकते हो, पूरी लफाजी करते हो वहां जाकर, वहां आप क्या खड़े होकर लोगों को जुड़ने की अपील नहीं कर सकते थे? और यू डोंट हैव द कॉन्फिडेंस दैट यू हैव एनी मॉरल अथॉरिटी लेफ्ट, आपको लगता ही नहीं है आपके पास कोई नैतिक बल बचा है कि आप इस तरह की अपील कर सकें।